बनाने जा रहे हैं, तोरण बनाएंगे हम येलो कलर से, मरून कलर से। 4 प्लाई का ऊन इस्तेमाल कर रहे हैं, क्रोशिया नंबर है 1.25 mm। चलिए तोरण की पट्टी पहले बनाना मरून कलर से शुरू करते हैं। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, 12 हमने चैन ले लिया है। अब यहाँ पे 12 जहाँ हुआ है लास्ट में, यहाँ पे हाथ रख दिए हैं। एक दो तीन, तीन चैन और लिए हैं डबल क्रोशिया करके, जहाँ 12 चैन हुआ था उसमें डबल क्रोशिया बनाना शुरू कर देंगे। पूरे लाइन हम कुल 13 डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए हमने 13 फंदे बना लिए हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे एक दो तीन, तीन चैन लेके उल्टा कर लिए। अब हर 13 फंदे में डबल क्रोशिया हम बनाते ऐसे चले जाएंगे। अब हम 36 इंच गेट के लिए बना रहे हैं, आप लोग अपने गेट के साइज से बना लेना जितना आप लोगों का गेट है। पट्टी एकदम सिंपल बना रही हूँ। बहुत बहने कहती हैं लिंक नहीं, पट्टी के वीडियो न क्यों नहीं डाली। जब सिंपल रहती है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ, जो बहने देख नहीं पाती हैं उनके लिए मैं ये बना रही हूँ कि जो लिंक चेक नहीं कर पाती। ये लास्ट हो गया। ऐसे ही हमें सीधा अपने गेट के हिसाब से बनाते चले जाना है। देखिए हमने अपने गेट के हिसाब से पट्टी बना लिया है। ये मोती का बॉर्डर हमने यहाँ पे एक तरफ बॉर्डर बनाया है, एक तरफ हम डिजाइन बैठाएंगे। और जो बहने अगर ये मोती का बॉर्डर जैसे देखना चाहती हैं वो हमें कमेंट करके बताएंगे, तो इसकी वीडियो हम अब नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी। चलिए इसके आगे का बनाना शुरू करते हैं। चलिए अब जो हम तोरण बनाएंगे उसके लिए पहले फ्लावर बनाना शुरू करते हैं। एक दो तीन चार पाँच, पाँच हमने चैन लिया। देखिए लास्ट वाले में हम ले जाके ज्वाइंट कर देंगे। अब इसे पीछे साइड करके एक दो तीन चैन लिए, फिर इसी जो लूप बना है डबल क्रोशिया दो हमने कर लिया, एक चैन का हो गया एक डबल क्रोशिया बनाए। फिर एक दो चैन लेके फिर डबल क्रोशिया इसी लूप में करेंगे, फिर दूसरा करेंगे। देखिए अब एक दो चैन हमने कर दिया। अभी हमारा दो दो, देखिए दो यहाँ पे डबल क्रोशिया हो गया, दो चैन ले ली फिर डबल क्रोशिया की, एक ही रिंग में बना रही हूँ। फिर दो चैन लेने के बाद फिर हम दो डबल क्रोशिया किए, अब फिर दो चैन लेंगे फिर से, फिर इसी रिंग में एक दो दो बना लिए, फिर दो चैन लेंगे फिर इसी में बनाएंगे फिर से इसी रिंग में एक दो। अब हमें काउंटिंग करना है कितने हमने ये बनाए हैं, दो दो, एक दो तीन चार पाँच। अभी एक और हमें बनाना है, एक दो चैन ले लिए, अब इसी में साथ में एक बना लिए डबल क्रोशिया, अब दो बना लिए। अब एक दो चैन लेके यहाँ पे ले आके हम ज्वाइंट कर देंगे सिंगल क्रोशिया, एक और चैन लेके इसे तोड़ देंगे या तो काट देंगे। देखिए ये हमारा बन गया। अब इसके आगे हम येलो कलर से बनाना शुरू कर रहे हैं। अब येलो कलर से बनाना है। ये जो दो चैन हमने लिया था आप लोग देखिए, इसमें ज्वाइंट कर लेंगे ऊन को। एक
दो तीन, तीन हमने चैन लिया, फिर डबल क्रोशिया करके फंदे बनाए। ये हो गया हमारा दो और एक तीन। अब हमें आठ चैन लेना है, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, और डबल क्रोशिया करके फिर इसी लूप में डबल क्रोशिया बना लेनी है। एक डबल क्रोशिया बन गई, दो डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया। देखिए ये हमारा एक पैटर्न बन गया। अब यहाँ पे डबल क्रोशिया लिए, अब दूसरे वाला जो या हम यहाँ पे चैन लिए थे, अब इसमें बनाएंगे सेम वैसे, एक दो तीन। अब एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, अब डबल क्रोशिया लेके फिर इसी लूप में सेम वैसे हमें बनाना है। और जो ये वाले हमारे पैटर्न आ रहे हैं सब रिंग में बनाएंगे तो छह आ जाएंगे। देखिए हम लास्ट तक यहाँ बना के आ गए हैं, कितने हमारे हुए हैं, एक दो तीन चार पाँच छ, छठवां हुआ। जब लास्ट यहाँ हुआ है तो ले आके हम इसमें सिंगल क्रोशिया ज्वाइंट कर देंगे। अब देखिए यहाँ डबल क्रोशिया लिए, और ये जो लूप हमने बनाया है इसमें हम डबल क्रोशिया इसमें बनाना शुरू किए हैं। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 16 हमें इसमें ये रिंग में डबल क्रोशिया बनानी है। अब 16 बनाने के बाद हम सिंगल क्रोशिया ले आएंगे। देखिए एक दो तीन, ये जो तीन पैटर्न है इसके बीचों बीच यहाँ पे इसे सिंगल क्रोशिया ज्वाइंट कर देंगे। ये पैटर्न हमारा बन गया। अब यहाँ डबल क्रोशिया लेंगे, फिर इसमें ले आके 16 डबल क्रोशिया सेम वैसे बनानी है लास्ट तक। देखिए कितना चैन हमने बना लिया है इसमें, इसमें कितने डबल क्रोशिया, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10, छः और बनाने हैं। ऐसे करके फिर ले आके यहाँ पे ज्वाइंट कर देंगे। देखिए यहाँ पे हमने 16 डबल क्रोशिया बना लिया, ले आके यहाँ पे ज्वाइंट कर दिया सिंगल क्रोशिया। ऐसे ही अब दूसरे वाले में बनाएंगे, ऐसे ही हमें ये एक दो तीन चार, चार में और बनाना है क्योंकि हमारे छह पैटर्न आ जाएंगे। ऐसे ही बना लेना है, अभी मैं बना के दिखाती हूँ। देखिए हमने पूरा बना लिया, यहाँ पे ले आके लास्ट में ज्वाइंट कर दिया। अब देखिए हमारा फ्लावर का पैटर्न बन के तैयार हो गया, बहुत प्यारा लग रहा है। कैमरे में उतना अच्छा कलर नहीं लग रहा है, आप लोग जरूर बनाना ये एक कलर का जरूर बनाना। अब देखिए ऐसे ही हमने ढेर सारे बना लिया है, इसमें देख रहे हो आप लोग मोती लगी है, अभी हम मोती भी लगाना बताएंगे और बाकी में मोती नहीं लगाए हैं। देखिए हमने ढेर सारा बना के यहाँ पे रख लिया है, अब इसे हम
तोरण बनाना बताते हैं आपको। चलिए अब एक यहाँ पे हमने मोतिया ले लिया है। आप लोगों के पास अगर दूसरे कलर की मोती हो जैसे गोल्डन में, वो भी लगा सकते हो, और नहीं मोती है तो नहीं भी लगा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। मगर मोती लगाने से इसका लुक और अच्छे से बढ़ जाएगा। देखिए हम मरून कलर का धागा डाल दिए हैं और ये मोती ले लिए हैं। अब ऐसे करके यहाँ पे टांग देंगे। ऐसे सीधा कर देंगे तो ये जनाई नहीं देगा। अब पीछे साइड यहाँ पे बांध देंगे। ये अच्छे से बंध गया। अब इसे हम काट देंगे। देखिए अभी हमारे फ्लावर तैयार हो गए हैं। चलिए तोरण में हम इसे फिट करना बताते हैं आप लोग। देखिए हमने ये तोरण की पट्टी अब फैला लेंगे। अब इसे हम फोल्ड कर दिए हैं। फोल्ड करने के बाद ये हाफ एकदम सही से हो जाता है और सही से बराबर बराबर आ जाता है। अब यहाँ पे हम ऐसे करके लगाएंगे। देखिए अब हमारे कितने बैठते हैं। ये 3 फीट गेट के लिए मैं बना रही हूँ। अब मैंने बताया भी था आप लोगों से 36 इंच गेट के नाप है। अब देखिए यहाँ पे ऐसे करके दूसरा हमारा आ गया, ये हमारा तीसरा आ गया। एकदम हमारे यहाँ पे बैठना चाहिए जिससे हमारा ये अच्छे से बैठ जाए। ये देखिए चौथा, यहाँ पे पांचवा आ गया। पांच इसमें हमारे लगेंगे। पांच ये फ्लावर हमने लगा दिया। अब ऐसे करके मुझे टक करना है। आप लोग येलो कलर का भी ले सकते हो, हमने मरून कलर के लिया है। देखिए पहले हम इस साइड से, अब देखिए हमने यहाँ पट्टी में ऐसे निकाल लिया है। अभी एक ऐसे और टक कर लेंगे। ये हो गया हमारा टका गया। अब ये अंदर से ऐसे डाल देंगे, यहाँ निकाल ले रहे हैं। टक करके काट भी सकते हो, मगर अब हम दूसरा वाला कर लेंगे। तो छोटी से फंदा यहाँ छोटी सी दूरी पे ऐसे करके निकाल ले रहे हैं, क्योंकि मरून पट्टी है, मरून कलर का ये ऊन है, इससे जनाई नहीं देगा, इसलिए हमने कर लिया है। अभी दूसरा वाला देखिए यहाँ पे हम टक कर लिए हैं। ऐसे करके निकाल लेंगे। ये देखिए हमारा अच्छे से टक हो गया। अब इसे हम इस साइड करके एक हम गट्ठी मार दे रहे हैं। अब अंदर की तरफ इसे निकाल देंगे। यहाँ पे निकाल दिए। अब बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। या तो आप लोग जिस ऊन से बना रहे हो उसी ऊन से बड़ी वाली सुई में डाल के टांग सकते हो। अब देखिए हम एक यहाँ पे उठा रहे हैं, यहाँ से निकाल रहे हैं। अब यहाँ पे येलो कलर का अगर ऊन रहेगा उसी से अगर हम ऐसे कर लेंगे तो बिल्कुल दिखाई नहीं देगा ये। वैसे भी जैसे हम टांक रहे हैं ऐसे दिखेगा नहीं। ये टांक लिए, देखिए यहाँ पे निकाल दिए। दो तीन टांक लेंगे और अभी हम पीछे साइड इसे कर लेंगे। ये जो हम गट्ठी यहाँ बनाए थे अब यहीं के वहीं से निकाल के एक फंदा ऐसे कर एक ऐसे बांध देंगे। अब यहाँ पे काट देंगे। देखिए ये हो गया। ऐसे ही अटैच करते हमें चले जाना है। अब इसके आगे हम दिखा रहे हैं आपको।
अब देखिए दो हमें ये हमारे जो दोनों फ्लावर हैं इसे ऐसे अटैच करना है, ऐसे टांकना है। देखिए यहाँ पे अगर हम दोनों को मिलाएंगे ये यहाँ पे अटैच हो जाएगा बहुत अच्छे से। देखिए यहाँ पे अगर हम अटैच इसे करते हैं ऐसे, आप लोग जैसे थोड़ा बहुत ऐसे करके देख लेना कौन ऐसे बड़े हैं कौन छोटे हैं, अपने आप ही समझ में आ जाएगा। ऐसे करके बनाना है। ये यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे अटैच हो जाएगा। इसमें हमारे चार आए हैं। अब यहाँ पे देखिए सेम वैसे ही यहाँ पे ऐसे लगाना है, दूसरा वाला यहाँ पे लगाना है, ये यहाँ पे ऐसे करके टाकना है। ऐसे इसे टाँक लेना है। फिर यहाँ पे आ जाएंगे हम, सेम ऐसे यहाँ पे आ जाएंगे यहाँ पे। अब लास्ट में देखिए यहाँ पे हम आ गए, यहाँ पे टांग ले, ये हमारा ऐसे हमें टक कर लेना है, ऐसे बना के तैयार कर लेना है। और इसको मैं टांग के बना के दिखाती हूँ आपको। देखिए सभी हमने टांग लिया है, बहुत अच्छे से हमारे लेंथ भी आ गए हैं, आप लोग देख सकते हो बहुत अच्छे से आ गए हैं, कहीं कुछ सिकुड़ा उकुड़ा नहीं है। और जो चीज मैं एक बार फिर बोल दे रही हूँ, आप लोगों से ज्यादातर शेयर करती हूँ, जो चीज मैं बनाती हूँ बताती हूँ जो हमारे लिए बहुत अच्छा हो आप लोगों के लिए भी अच्छा हो, वैसे ही चीजें बनाती हूँ। इसमें सभी में मोतिया हमने लगा लिया है, अच्छे से टक कर लिया है, अभी निकलेगा नहीं। अब देखिए इधर भी हमारे पास टिकरी है, मैं इस साइड भी लगा लूंगी, जैसे कि आप लोग बोलते हो थंबनेल में पूरा नहीं दिखाते, एक साइड का पूरा मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ। और सारी टिकरियां बना के रखी हूँ, अब एक साइड का बाद में हम टक कर लेंगे और ऐसे ही बनाते रहेंगे। और इसके आगे हम झलरी लगाना भी आप लोगों को बताते हैं। देखिए झलरी के लिए हम इतना बड़ा चार अंगूर लगा रहे हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 37 38 39 40। 40 बार हमने लपेट दिया, क्योंकि अगर ये होता दो फोल्ड नहीं करेंगे, ऐसे ही सीधा निकाल के एक दो तीन, दो तीन बार ऐसे करके बांध देंगे झलरी को, कैंची से काट देंगे। अब इसे भी ऐसे सीधा करके काट देंगे। और मोटा आप लोग बनाना जैसे चाहते हो ना, तो इसको बना सकते हो। अब इसे साफ से काट देंगे, बराबर हो जाए जिससे। ये बनके झलरी तैयार हो गई। देखिए झलरी इतनी मोटी आई है, अच्छी आई है इसकी। और इसे मोटा बनाना चाहते हो बना सकते हो। मेरे रंग का मेरे पास येलो रंग की कैप है, अब ये मरून के साथ येलो लगा दे रही हूँ, व्हाइट मोती भी लगाऊंगी। आप लोगों के पास जैसे कैप नहीं है मोती नहीं है वैसे भी झलरिया अटैच कर सकते हो, अगर मोती है तो एक मोती भी डाल के कर सकते हो, दो मोती भी डाल के कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। अब देखिए हम टाक ले रहे हैं, बीचों बीच इसको हम झलरी के डाल देंगे। एक मोती बस डाल रहे हैं, और यहाँ पे हम बीचों बीच लगाएंगे। खूब टाइट से इसे बांधना है। येलो कलर का अगर धागा होता तो बहुत अच्छा से होता,
जैसे दिखता नहीं, अब मैं मरून का लगा दी हूँ इसलिए इतना ही टाँकूँगी। अब पीछे साइड करके इसे यहाँ ऐसे बांध दूंगी, एक दो गठ लगा दूंगी। ये देखिए झलरी हमारी बनके तैयार हो गई। ऐसी हम इसमें लगा लेंगे, फिर इसमें लगाएंगे, इसमें लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, एक यहाँ पे लगा लेंगे, यहाँ पे सीधा ऐसे करके पूरा कंप्लीट करना है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे झलरी लगाना, विदाउट झलरी के भी अच्छी लग रही है, मगर झलरी लगाओगे तो और ही प्यारी लगेगी ये तोरण। अगर ये तोरण की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, फैमिली फ्रेंड के साथ खूब शेयर करना, प्लीज़ खूब शेयर करना। मिलती हूँ एक और अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।